शहर का श्रद्धा स्थान आई उर्फ माता मंदिर में हुआ। नवरात्र का समापन पूरे भक्ति भाव से किया गया। विधि व्रत पूजा करके उठाया गया नवरात्र का माता का घट पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया था। तगड़ा बंदोबस्त था। दर्शन के लिए दिखे भाविक और भाविकों का लगातार बड़ा तांता। हिंगनघाट शहर में हर साल नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सड़कें रोशनी से भर जाती है, लेकिन इस साल नवरात्रि समारोह की शुरुआत कोरोना का प्रादुर्भाव रहते कुछ सरल और सादे प्रकार से हुई। तब कल शहर के सभी मंदिरों में घट विसर्जन का कार्यक्रम विधिवत पूजा अर्चना करके घट को उठाया गया। शहर का प्रसिद्ध मंदिर आई उर्फ माता मंदिर, जो सभी शहरवासियों का श्रद्धा स्थान है, मंदिर अध्यक्ष श्री गणपत जी गाड़ेकर इनके मार्गदर्शन में सभी पदाधिकारी और सदस्य की उपस्थिति में नवरात्र उत्सव का समापन हुआ। सरकार द्वारा दिए गए कोरोना नियमों का मंदिर प्रशासकों द्वारा सख्ती से पालन किया गया। तब घट विसर्जन के वक्त पुलिस का बंदोबस्त भी तगड़ा दिखाई दिया। भाविक भक्तों ने भक्तिपूर्ण भाव से दर्शन लिए। तब मंदिर सदस्यों ने कोरोना प्रादुर्भाव में किस प्रकार आयोजन किया, इस बारे में NBC न्यूज को जानकारी दी गई। आता मंदिर मध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह साजरा केला जातो, परंतु यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात असल्यामुळे अगदी साध्या बनानं यावर्षी घटस्थापनेपासून ते घट विसर्जनापर्यंत सोहळा साजरा केला गेला आहे। त्यामध्ये आम्ही जी कॅपॅसिटी आहे मंदिरची, जी 100 लोक आतमध्ये राहते, तर आम्ही फक्त 25 लोकांनाच एंट्री दिली आहे। समोर जे मेन गेट आहे त्या गेटवरती आम्ही 2 सिक्युरिटी गार्ड ठेवले होते। त्यांना बाहेर गर्दी, म्हणजे बाहेरून जे येणारे भाविक होते, गर्दी न करावं म्हणून त्यांना थोड्या थोड्या प्रमाणात सोडायला सांगितलं होतं। त्याचप्रमाणे आम्ही ती मशीन, जी टेम्परेचर मशीन आणि सॅनिटायझरचा आम्ही वापर केला होता। आणि इथे आतमध्ये आमचे जे कार्यकर्ते होते, त्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकाला डिस्टन्स ठेवून, जे डिस्टन्स ठेवायला सांगितलं होतं शासनाने, ज्या नियमावली दिल्या होत्या त्याप्रमाणे आम्ही व्यवस्था केली। हिंगणघाट से रवी येनूरकर की रिपोर्ट।